हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे दिन की शुरुआत है वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो है 24 तारीख का, यानी 24 दिसंबर का। मैंने बीच में ब्लॉगिंग नहीं की थी, जैसा कि मैंने बताया था, अपने घर को सेट करने में ही बहुत सारा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन फिर से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, स्टार्ट कर चुकी हूँ। बीच में एक दो दिन का गैप ले लेती हूँ, कभी कभी एक दो दिन में दो दिन का एक ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। फिलहाल सुबह का टाइम है और हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं, उनके लिए टिफिन भी दे दिया है, वो निकल गए हैं। उनके जाने के बाद ही बच्चे दोनों हैं वो प्रॉपर जग जाते हैं, बीच बीच में जगते रहते हैं। दक्ष परेशान करता रहता है मेरा छोटा बेटा, लेकिन आध्या है वो थोड़ा लेट ही उठती है। और सर्दी है तो जाहिर सी बात है, बच्चे क्या बड़े भी थोड़ा लेट ही उठ जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों को तो काम ही करना होता है, मुझे टिफिन भी बनाना होता है, तो घर भी देखना पड़ता है, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। बस यहाँ पे मैंने बेडशीट ठीक कर दी है और थोड़ा सा झाड़ भी दूंगी, क्योंकि ये गर्म वाली बेडशीट है, यानी ब्लैंकेट है। इसमें थोड़ा बहुत कितना भी झाड़ दूँ ना, लगा सा रहता है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ है। तो मैं इस ब्रश की हेल्प से साफ कर दूंगी, उसे पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और दक्ष की हरकतें देख लो, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही मैं बेडशीट ठीक करती हूँ, ये जरूर उस पर उछल कूद करता है। एक फायदा जरूर है, जब ब्लैंकेट बिछाते हैं, ब्लैंकेट वाली बेडशीट बिछाते हैं, तो ये इधर से उधर नहीं होती, एकदम चिपक जाती है। और एक्चुअली मेरे जो मैट्रेस है उस पर जो प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है, उस पर कोई भी बेडशीट नहीं फिसलती है, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने आध्या से बोला चलो सॉक्स पहन लो, दक्ष को पहना दिया। और आध्या को सॉक्स पहनना बहुत बुरा लगता है, उसको खुजली होने लगती है पैर में, गर्मी सी लगने लगती है। तो वही मैंने बोला तो पैर फैला कर बैठ गई कि यहाँ लो पहना दो। तो बस यहाँ पे मैं ब्लैंकेट रख दूंगी, रजाई को थोड़ी देर धूप लगाने के लिए मैं बाहर डालूंगी, तो थोड़ी सी गर्माहट हो जाएगी उसमें, और उसके बाद मैं तय लगा के रख दूंगी। मुझे ना इस तकिए के कवर को तकिए में और भी दूसरे कवर बनाने हैं घर में, क्योंकि और तो सारे जो कवर होते हैं वो बेडशीट से मैच करते हुए होते हैं, बेडशीट के ही होते हैं। सो उनको मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। ब्लैंकेट के साथ में जो कवर नहीं है, जैसे कि ये बेडशीट थी गर्म वाली, वो कंबल था, तो उस पे उसके तकिए कवर नहीं होते हैं। सो मैं घर में पुरानी बेडशीट के कवर बना लूँगी, तो मैं इस पे चढ़ाऊंगी। अब देखती हूँ कब बनाती हूँ, इसके लिए भी एक टाइम चाहिए। आज मुझे बहुत सारे काम है, सो वो निपटाऊंगी। देखते हैं कब मौका मिलता है तब मैं करूंगी। और ये कपड़े कल बहुत सारे धुले थे, तो ये देखो मैं मुझे तय लगा के रख रही हूँ। कुछ कपड़े जो प्रेस करने हैं वो अलग हटाऊंगी, जो नहीं करने हैं प्रेस, जो आध्या के हैं दक्ष के हैं, उनको अलग रखूंगी। इस तरीके से रोज मैं मैनेज करके रखती हूँ। पता नहीं क्यों सर्दियों में इतने ज्यादा कपड़े निकलते हैं, आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। मेरे साथ तो रोज ही ऐसा होता है, अगर मैं एक दिन वॉशिंग मशीन नहीं लगाऊं तो दूसरे दिन वॉशिंग मशीन में इतने ज्यादा कपड़े हो जाते हैं। एक तो एक लेयर तो होती नहीं है, बच्चों को एक बार कपड़े उतारो तो दो तीन लेयर लगी होती हैं, बनियान, उसके ऊपर इनर, फिर एक टी शर्ट, फिर उसके स्वेटर, अगर हो सकता है और सर्दी बढ़ जाए तो जैकेट, बहुत कपड़े हो जाते हैं। वैसे आप लोग क्या विंटर में, मतलब विंटर कह रही हूँ, आप लोगों क्या सर्दी कैसी पड़ रही है जरूर बताना मुझे, अच्छा लगेगा कॉमेंट सेक्शन में जब आप लिखोगे। फिलहाल सॉरी, मैं कल वाले वीडियोज के कॉमेंट रीड करी हूँ लेकिन उनके रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं ज़रूर से ज़रूर उनको आंसर करूंगी, आज ही मैं कर दूंगी। और आप लोग प्लीज नाराज मत हुआ कीजिएगा, मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ, सभी के कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। तो बस फटाफट से मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सॉक्स वगैरह पहनाकर टीवी चला दी है, इसमें कार्टून लगा दिया है, दोनों लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा कंबल पड़ा हुआ है, उसी के पैर वैर घुसा लेते हैं, तो थोड़ी देर बैठे रहेंगे। तो मैं अपना और काम है वो निपटा लूंगी, जैसे कि मुझे इन दोनों के लिए अभी नाश्ता बनाना है। आज सुबह हस्बैंड के लिए जो मैंने सब्जी दी थी वही रखी हुई है, उसी से
सब्जी से खाना नाश्ता हमारा हो जाएगा, और कभी कभी हमारा लंच भी उसी से हो जाता है। बस बच्चों के लिए कुछ मैं अलग से बनाती रहती हूँ, कभी खिचड़ी कभी कुछ, क्योंकि दक्ष के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। आज मैंने गोल वाले पराठे बनाए हैं, वैसे तो मैं चौकोल ही बनाती, चौकोल बोल रही हूँ, तिकोने वाले बनाती हूँ। और जैसा भी चाहो, अपने को ही खाना है, कैसे भी बना सकते हो, बट मैं गोल वाला बना रही हूँ आज। और यहाँ पे देखिए ये थाली लगा दी है, और आज मैंने इनको बैगन का भरता दिया था, सब्जी रखी हुई थी, तो बैगन का भरता आजकल मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और हस्बैंड का फेवरेट तो है ही। मतलब एक ऐसी चीज है ये बैगन का भरता, जो कि मतलब एक सब्जी का ये बैगन का भरता बना लो ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, खासकर सर्दियों में। गर्मियों की बात नहीं कर रही हूँ, सर्दियों में खासकर बैगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट ना चूल्हे पे अगर भुना गया हो बैगन, तो और भी अच्छा लगता है। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ चूल्हे पे भूनती है ना, तो फिर इसका टेस्ट बहुत लाजवाब रहता है। बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी ना हम चूल्हा बना सकते हैं, इस वजह से गैस पे ही करते हैं। और खैर, अपना घर होगा तो देखते हैं, छत पे एक चूल्हा जरूर बनाऊंगी मैं। नहीं बनाना आता है तो बनवाऊंगी, मेरी सासू माँ जब आएंगी तो उनसे बनवाऊंगी, मतलब कुछ तो करूंगी। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे सेक ली हूँ, ये रहा बैंगन का भरता। मुझे जैसे पता है मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही ली हूँ, बच्चे को ज्यादा खिलाकर आई हूँ। और बस खाना खाने के बाद, मतलब यही का नाश्ता करने के बाद, धूप अच्छी खासी निकल आई थी, तो मैं बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाती हूँ छत पे। तो यहाँ पे छत पे झाड़ू लगाई थी, दक्ष आध्या ने तो देखो किनारे कूड़ा करके रखा है, और दक्ष यहाँ खेल रहा है पौधे से, इस गमले से मिट्टी निकाल रहा है। सो वही है, आध्या कुछ खींच रही थी। खैर, बच्चों को थोड़ी धूप लगवा देती हूँ तो सही रहता है, वैसे तो ठंडा ठंडा मौसम है, इधर झाड़ू लेके शुरू हो गया। खैर, उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया सुलाया, तैयार व्यार किया था, फिर मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं कैमरा वैमरा लगाऊं, और भी मेरे काम थे वो करती रही थी मैं। और फिर ये शाम का टाइम है, आलू उबले हुए रखे थे कल के, सो बस बहुत थोड़े से आलू थे, इसलिए मैंने ये पहले चार बन रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो तीन ही बना लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े बना लेते हैं। ये कटलेट हैं, आलू के कटलेट ब्रेड में लपेट के जो बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अंदर तो सॉफ्ट सॉफ्ट आलू भरा होता है, लेकिन बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, ना ही बेसन की जरूरत पड़ती है, ना ही ज़्यादा ऑयल इसमें रहता है। आप इसको घर में सेक के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सो वैसे मुझे बहुत थोड़े से ही बन थे, तो थोड़े से ही बनाए, सो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इससे वैसे पेट तो नहीं भरता है, मतलब ऐसे स्वाद के लिए रखा था आलू, तो बर्बाद होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ बना लो। सो मैंने ये बना लिए हैं, एक आध्या एक मैंने, और एक मेरे हस्बैंड ने खाया था, और आध्या ने बहुत थोड़ा ही खाया था, पता नहीं कि उसका मन नहीं कर रहा था, तो वो फिर थोड़ा सा दक्ष ने खाया था। और ये नए कप में जो लेकर आई थी मायके से, ये ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छे नहीं है, मुझे क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं लग रही है, आप समझ में आ रहा है। खैर, ले आई हूँ तो अब इन्हीं में चाय लेंगे। एक ये ब्रेड बचा हुआ था केवल, तो वो रख लिया है, टोस्ट रख लिए हैं, और ये ब्रेड रोल है वो रख लिए मैंने। चाय वगैरह पीने के बाद दक्ष भी सो के उठ चुका था, उसने भी थोड़ा सा ब्रेड वगैरह खाया था, और अब मैं उसको बहुत सारा प्यारी प्यारी कर रही हूँ। और बहुत, जब भी मैं कैमरा लगाती हूँ वो कैमरे की तरफ ऐसे भागता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा ही कैमरे को पकड़ने की कोशिश करेगा, और थोड़ी देर बाद ये कैमरे को ऑफ भी कर देता है। उसमें जो रेड कलर की लाइट जलती, बटन ब्लिंक होती रहती है ना, उस पर ये क्लिक करने की कोशिश करता है। सो वही है, बस उस पर क्लिक करेगा तो कैमरा ऑफ हो जाता है। एंड ये देखो, आज ये डब्बा बनी हुई है। एक्चुअली ना, जब मैं घर से आई हूँ, एक चूहा है ना बहुत परेशान कर रखा है। सो किचन के जिस तरफ सिलेंडर रखे हुए हैं दूसरी साइड में, उस तरफ ना बहुत सारे गत्ते, हमारे जो कोरियर के बड़े बड़े गत्ते आते हैं, राशन आता है जिसमें अमेजोन से, तो वो गत्ते, या फिर कोई हमने सामान लिया जैसे टेबल खरीदी थी और ड्रॉजर्स खरीदे थे बॉक्स वगैरह, उसके बॉक्सेस सारे ऐसे की ऐसे ही रखे थे एक के अंदर एक। सो मुझे, हम लोगों को यही डर रहता था कि कहीं चूहा उसके अंदर जाके तो नहीं बैठ जाता है, इसलिए आज हम लोगों ने सारा काम किया। हम लोगों ने क्या किया, इन सारे बॉक्सेस को खोला, खोल के इनको फोल्ड किया। ये काम करने में बहुत टाइम लगा था, लगता है बहुत आसान है, इस पे जो टेप लगी होती है उसको पहले कटर से एक एक करके हर जगह से कट करना, फिर इनको खोलना, बॉक्स को फोल्ड करके रखना, बड़ा ही काम रहता है। आप समझ में आता है अकेले घर में काम करने में कितना ज्यादा मुश्किल होता है, कितना ज्यादा कठिन होता है कि घर के काम भी निपटाओ और ये सब भी करो। सो ये सारा काम करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, तो घर को अकेले संभालना इतना भी आसान नहीं है जितना सब लोग या हम लोग भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने आध्या को, ये आध्या के ही सॉक्स हैं, पहले बड़े होते थे अब इसके सही होने लगे हैं, और ये भी आध्या के ही सॉक्स हैं जो हाथ के बने हुए हैं। तो ये मैंने दक्ष को पहना दिए छोटे वाले, और बड़े वाले आध्या ने पहन लिए हैं, अब दोनों लोग घूमेंगे ऐसे ही तो ठंड नहीं लगेगी। वो वाले सॉक्स उतार दे रहे थे, इसमें ना डोरी से बांध दो ना तभी उतार नहीं पाएगा।
एंड ये देखिए सारे गत्ते, अब मोप का भी है एंड टीवी का भी गत्ता है, फ्रिज का तो पहले से ही रख दिया था, ये छोटे वाले भी कुछ गत्ते हैं। तो इनको ना स्टोर रूम में उठा कर रख देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा तो इनको बस बांधना है या टेप लगाना है। कुछ पॉलीथीन भी है जो बहुत ही अच्छी है, तो इनको भी उन्होंने स्टोर करके रख लिया। बाकी का ये गत्ता वगैरह हटा देंगे और इनको जलाने के काम आ जाएगा, किसी को दे देंगे। हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम लोग जा रहे हैं सोने। तो यहाँ पे देखो, मैंने ब्लैंकेट डाल दिया है, बेडशीट झाड़ के फटकार के हटा के फिर से बिछा दी है, वूलन वाला, मतलब बेडशीट नहीं है ये कंबल है जो कि मैंने बिछा रखा है। और सारा दिन मैं छुट्टी कर रही थी ना, तो बाल बहुत टाइट हो रखे थे, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, क्योंकि मैं वैसे भी अब सोती हूँ तो बाल ओपन करके ही सोती हूँ। और बस पिलो के कवर जो है ना, वो थोड़े से ख़राब से हैं, मिक्स मैच हैं, बिकॉज मुझे कवर है ना इनके लिए सिलने हैं एक दो, क्योंकि और तो सब सेट के हैं, बेडशीट के सेट के। अब जैसे कि ये वाली मैंने बिछाई है, इसका सेट का तो कोई है नहीं, तो मैं एक अलग से कवर है ना वो बना के रख लूँगी, तो ये दो तीन बना लूँगी, तो बदल बदल के सर्दियों में काम आ जाया करेंगे। वही है बस, तकिए वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ। बड़ा सन्नाटा लग रहा है ना, अरे बच्चे चले गए हैं नीचे आंटी जी के यहाँ पर, पापा के साथ में खाना वाना खा पी के निकल गए हैं, थोड़ी देर वहाँ पे समय बिता के आ ही रहे होंगे, तब तक मैंने ये सब सेट कर दिया है। आएंगे थोड़ी देर, थोड़ी और शरारत करेंगे, फिर जाके हम लोग सोएंगे। और कल है क्रिसमस यानी 25 दिसंबर, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते हैं, क्रिसमस ट्री घर में लाते हैं, बहुत सारे लोग ट्री घर में लाते हैं, बच्चों के साथ में खूब सेलिब्रेट करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को क्रिसमस न्यू ईयर ये सब कुछ सेलिब्रेट करना नहीं पसंद है उनको। न्यू ईयर वो जो हम लोगों का हिंदी वाला आता है ना, अप्रैल वाला, वो मतलब वो सबको विश करते हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है ना, लेकिन मुझे मना नहीं करते हैं कि तुम मत करो, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, शादी से पहले खूब करती थी, और मेरे ससुराल में भी सब लोग खूब करता है, और मेरी दीदियाँ मेरी ननद वगैरह खूब करती हैं, बट ये नहीं करते हैं। इनका कहना है हमारे इंडिया के जो फेस्टिवल हैं, हमारे लोगों के जो भी होते हैं, होली दिवाली और भी बहुत सारे तीज त्यौहार जितने भी फेस्टिवल होते हैं, वो क्या कम है जो हम ये मनाएंगे। तो बस फिर से मैं वही कहूँगी, किसी को मैं निराश निराश नहीं कर रही हूँ, ना किसी को कुछ कह रही हूँ, अपनी अपनी सोच है, और जो लोग मनाते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी मनाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है हर एक छोटी खुशी ढूंढने में। क्योंकि देखिए हालांकि है नहीं हम लोगों का क्रिसमस, लेकिन फिर भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को स्माइल लाने पे चेहरे के लिए, और घर में केक खाने के लिए, पेस्ट्री खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए सेलिब्रेट करते हैं, बस और कुछ नहीं। सो इन्जॉय करो और मज़े लगाओ, देखते हैं मैं कुछ करती हूँ आध्या के साथ में या नहीं, वो कल वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आज तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, है ना। हो सकता है मूड चेंज हो जाए, ऐसे ही खाने पीने चले चले हम लोग बाहर, है ना, वो तो सिर्फ हस्बैंड पे ही डिपेंड है। चलिए अब मैं अपने इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.